क्या खा रहे हैं? ये क्या चीज है? ये पैरेट के बच्चे हैं। अच्छा, तोते के बच्चे हैं। तोते। और ये क्या इनको खिला रहे हो? इनको इनकी खुराक मिल रही है। कौन सी खुराक है ये? ये सिरिलैक है। सिरिलैक खिला रहे हो? ये तो बच्चों को नहीं देते। हाँ, ये भी ये बच्चे खा लेते हैं। हाँ, ये देखो खुद ही खा रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है यार ये तो। बस इन्होंने खुद ही आगे मुँह डाल लेना पीछे। मैंने थोड़ा कितने हैं ये? तीन है। और वो पीछे वाले क्या? कितने? दो हैं? तीन? तीन है। कितने दिनों के हैं ये? फर्को फर्की है, फर्क है तीनों में अंदाजन। दो दो दिन का फर्क है। दो दो दिन का। बस टोटल कितने दिन हो गए? कितने अजीब लग रहे हैं? आठ दिन का। ये अभी बच्चे हैं ना, इस वजह जब भरे होंगे फिर प्यारे लगेंगे। वो तो फिर हो जाते हैं प्यारे। तो अगर इनको सेरेलैक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ ना खिलाएं तो फिर? फिर आप जैसे आपको ना खुराक मिले आप क्या होगा आपका? नहीं तो ये इनके जो है तोते इनकी माएँ जो इनको कुछ नहीं खिलाती? नहीं, मामा ने इनको लादा कर दिया हुआ है। अच्छा, जिस बंदे ने ये रखे हों वो इसे इस तरह ही खिलाता है इनको? नहीं, हर बंदा नहीं। हर बंदा नहीं सेरेलैक खिलाता? नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो ऐसे लगे हैं जैसे मुर्गी के बच्चे हैं। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है इंजेक्शन के साथ आगे क्या रबड़ है? आगे रबड़ जैसी है। तो इनको कैसे पहले दिन कैसे पता चल गया इस तरह खाने का? उनको जैसे नहीं पता, उनको पहले खिलाना पड़ता है। छोटे ये इनको नहीं पता, इस बड़े को पता ना? उनको भी पता चल जाएगा कल परसों तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बात ही है आखिरी बार। अच्छा, ये मिक्स किया सारा करेला? जी मिक्स किया। एक डब्बा कितने दिनों में ये खाएंगे? ये पहले 10 दिन मेरा कल इनका होगा। 10 रुपये का पैकेट होता है, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। या फ्रेंड, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो इतने प्यारे नज़र आते हैं तोते बड़े होके, तो उनकी इस तरह केयर करनी पड़ती है। ये अब इसको फुल भूख लगी हुई है, इनकी पोट है। हाँ, यहाँ से पता चलता है कि खा लिया। हाँ, कितना खा लिया। अभी फ्रेंड मैं इनके जो बड़े तोते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये है फ्रेंड्स जो बड़े तोते हैं जिनके वो बच्चे थे जिनको हम फीड खिला रहे थे, ये बड़े हैं जनाब। इस तरह के नज़र आते हैं बड़े हो गए, जब नहीं छोटे होते हैं अजीब तरह के। मुझे तो पता नहीं क्या फील हो रहा था। और ये जनाब इनके बच्चे हैं, इनके अलग अलग से घोंसले हैं। ये है जी फ्रेंड्स तोते। ये मेरा भतीजा एक वलीद, उसने रखे हुए हैं, उसे बड़ा शौक है, तो शौक का कोई मोल नहीं होता। और ये इस तरह अब इनको ये देखें, एक सिनेना के बल्ब लगाया हुआ है, तो ये जो रोशनी में रहते हैं, अगर रोशनी ना हो तो फिर ये बड़ी चीखें निकालते हैं, बड़ा शोर करते हैं। और ये इसने शौकिया तौर पे रखे हुए हैं। और आप लोगों ने इनके छोटे बच्चे भी देखे होंगे, तो जो भी जानदार होता है उसका यही लाइफ स्टाइल होता है, बस इस तरह वो छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं इस तरह के हो जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन टाइप है इनकी तोते हैं जो ये देखें। और इनके अलग अलग से घर हैं, ये जिसका घर है उसने उसी में रहना है, ये इनका घर है और उनका घर है, इनका ये सारा नेबरहुड है। इसी तरह इनकी जो ज़िंदगी है जनाब चलती रहती है। और ये सेल भी करता है थोड़े बहुत, अगर ज़्यादा हो जाए तो सेल भी कर देता है, लेकिन इसको शौक काफ़ी ज़्यादा है। और ये जनाब इस तरह इसने तोते रखे हैं घर में। केयर बड़ी करनी पड़ती है, खुद बंदा खाना खाए ना, लेकिन इनको ज़रूर खिलाना पड़ता है जिस तरह वो छोटे बच्चों को खाना खिला रहा है। तो ये इनको बाजरा डालता है और ये कैल्शियम की कुछ गोलियाँ, कैल्शियम टाइप इसने बाज़ार से मंगवाई हुई चीज़ें ना, तो ये कैल्शियम भी खाते हैं। और ये बाजरा और ये पानी है। तो ये हैं जनाब तोते। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखे होंगे बड़े तोते। तो ये बलीद भाई इनका कितना रेट होता है अगर किसी ने एक लेना हो या जोड़ी लेनी हो? दुकान से खरीदो तो 300 रुपये का एक मिलता है, 600-700 का जोड़ा। 600-700 का जोड़ा, मतलब महंगे हैं काफ़ी। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने घरों में रखे होते हैं वो इसी तरह ही फिर उनके बच्चे या बच्चे फेंक देते हैं, क्या करते हैं बच्चे लेके फिर दुकान पे बेचते हैं। बच्चे लेने जाओ 600-700 का जोड़ा, बेचने जाओ 400-500 का जोड़ा। अच्छा, मतलब कि 600-700 का जोड़ा एक बिक जाता है? हाँ, मिलता है 600-700 का,
बिकता 400-500 का है। अच्छा जी वलीद भाई, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे अक्सर मेरी वीडियोस में भी, आपने देखा होगा इनके शौक हैं जनाब, तोते रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हैं और बस छोटे छोटे जानवर रखते हैं, बड़े जानवर नहीं रखते, तो भैंस रखी हैं, चलो दूध भी घर वालों को नसीब में हो, लेकिन नहीं ये छोटे छोटे शौक हैं इनके, ये देखें जिस तरह इनके अपने बच्चे हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरह इनको पाला हुआ इसने। ओ भाई लड़कियाँ दुनिया बेवफा है, प्यार करना जानवर परिंदों से करो। अच्छा धोखा तो नहीं ना देते। हाँ ये तो है, ये देखे ना, अब देखे खुराक खाने के लिए कितना बेताब है, ज्यादा शरीकों से अच्छा है कि पालतू कुत्ता घर में रखो, वो बेहतर है, इसीलिए इसने रखे हुए हैं कि जनाब जो जानवर होते हैं वफादार होते हैं, लेकिन ये परिंदे भी तो उड़ जाते हैं ना यार, इनको घोंसले में क्यों रखा हुआ फिर तोते जो है। नहीं इनके खुराक का मसला है, बस जब भरे होंगे इनको वापस रखते हैं इनके मामा पापा के पास, नहीं तो फिर वो अगर घोंसले में क्यों रखा, अगर वफादार होते तो फिर छोड़ते क्यों जाते। कौन चोर? ये तोते पिंजरे में रखा हुआ ना, छोड़ के चले जाते हैं ना। नहीं नहीं जिनको आपने पाला हो फिर आके पले रहते हैं। इनको साइड पे रख दिए, इनको साइड पे रखने का मकसद ये है कि जो दूसरे तोते होते हैं ना, जैसे शरीफ होते हैं, जो दूसरे तोते इनको मारते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो नहीं मारते, लेकिन जो दूसरे तोते हैं वो इनको मारते हैं, इसलिए जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे इनको सेपरेट रखना पड़ता है। वलीद भैया जनाब, मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो इनका थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू किया तोते का, लेकिन बोले नहीं हैं, कुछ बताएं यार इनके बारे में हमें, अगर किसी ने रखने हो घर में तो इनका कितना मसला होता है, कितनी खुराक इनको चाहिए होती है, लोगों को बड़ा शौक होता है ये रखने का। लाख रखेंगे ना बहुत तंग करेंगे, अंडे बच्चे जल्दी नहीं देंगे। अच्छा जब एक बार अंडे बच्चे देना शुरू कर दें, पहली मरतबा 2-3 देंगे तो उसके बाद देते ही रहेंगे, अंडे ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा तो अंडे ये टूट भी जाते हैं, अंडे फिर लहदा रखने पड़ते हैं या इनके ये जो इनके जो गार हैं उन्होंने संभालने अंडे बच्चे। अच्छा हमें तो अभी पता चलना जब वो सुराख से बाहर आने हैं बच्चे अंडे। अच्छा अंडे भी इसके अंदर ही इनके होंगे तो। अच्छा इनके लहदा लहदा सेपरेट है, ये जो कुछ जे वगैरह इनके बने, वो जो जोरा बैठा है उसका वो है, उस जोरे का वो है। अच्छा आपने जिसका है उसके ऊपर ही बैठते हैं वो? बिल्कुल, दूसरा नहीं आता ऊपर, किसी के घर नहीं जाते एक दूसरे के। अच्छा बड़ी बात है यार, स्लो करना। और ये जो कैल्शियम है ये इसका क्या सीन है, और ये बाजरे का? कैल्शियम ये कि इनको बीमारी कोई नहीं लगती। अच्छा बस इनको कैल्शियम, और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं? नहीं और भी पानी में हल करके देते हैं। पानी में हल करके कौन सी मेडिसिन, वो कैसे पता चलता आप लोगों को? वैसे दे देते हैं, कोई बीमारी ना लगे इनको दे देते हैं। डिस्प्रिन टाइप या कोई पैनाडोल वगैरह? नहीं वो और ही गोलियां हैं। अच्छा पुरानी खेत की होती हैं पैरेट के लिए। अच्छा ये ऑस्ट्रेलियन है ना? ये ऑस्ट्रेलियन है। सही है जैसे कि ज्यादा महंगे होते हैं जो एक ही कलर के होते हैं, जैसे वो येलो है सामने, फुल वाइट भी होते हैं, रेड आइज भी होते हैं। ये 700-800 का जोरा, जो रेड आइज होते हैं ना उनका 1200-1500 का जोरा होता है। सही। अच्छा ये दो किस्म के हैं, मतलब उसके दोनों के कलर सेम है और ये हाँ क्रॉस होते हैं ना, क्रॉस में फिर कलर चेंज हो जाते हैं। तो अभी ये कितने के होंगे सारे? ये सारे इस टाइम 2000 रुपये के हैं, मैं अगर बेचूँ तो कितने के लिए? दुकान पे बेचने से हम 2000 के हैं, अगर किसी को बेचूँ ना शौक के लिए किसी ने लेने, 3500-4000। नहीं तो ये कितने के लिए थे आपने? मैं लाया था 1500 के। कहाँ से? ये बच्चे भी अब मार्केट होती है इनकी? हाँ मार्केट होती है, अभी बच्चे भी दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ क्या सूरत। और भी हैं बच्चे इसके अंदर? हाँ वो उसके अंदर है, इनकी सूरत हाल देखते हैं। अच्छा ये और बच्चे हैं? हाँ। अच्छा तो ये छोटे हैं, ये कैसे पकड़ लेते हैं इनको यार? नहीं तो जिनको खुराक खिलाई है ये तो उन जैसे नहीं है, ये नहीं खाते? नहीं इनकी माँ है इनके सर पे। अच्छा अभी ये छोटे हैं इस वजह से? हाँ। अच्छा नहीं यार ये किस तरह अजीब तरह के हैं ये पांच हैं? ये पहले दिन का ये निकला हुआ है। कौन सा? कट्ठे नहीं निकलते एक दिन है, ये पहले दिन का। अच्छा फिर ये दूसरे दिन का। अच्छा ये तीसरे दिन का। अच्छा और ये चौथे दिन का और ये पांचवें दिन का। इसके बाद भी ना दोनों? नहीं यार ये छोटा ये पांचवें दिन का। हाँ मतलब कि फर्क भी होता है ना एक दो दिन का। 7 अंडे दिए थे। अच्छा। पांच निकले, एक अंडा खराब हो गया, एक बच्चा निकलते निकलते ना। नहीं तो ये इनमें से किन के हैं? ये जो ग्रीन वाली है ज़ूम कर ये वाली, ये इनकी माँ है। अच्छा तो इनको पता है? ज़ूम करें ना। ज़ूम इधर से होना नहीं, ये वाला ग्रीन है? नहीं 7 ये वाला।
हाँ ये ग्रीन, इनकी माँ है, और ये इधर पापा है येलो कलर वाला, अच्छा अच्छा येलो ठीक शेड वाला। हो। नहीं तो इनको पता है सबको कि ये इनके हम हमने उधर नहीं जाना। हाँ पता है सबको। नहीं तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा है, उधर भी 3 बच्चे हैं और ये 5-6 ये हैं बच्चे। हाँ वो एक जो रहे ने 3 बच्चे दिए, एक जो रहे 5। तो अभी और भी हैं अंडे वगैरह दिए हुए किसी ने? नहीं और नहीं। अभी कितने दिन लग जाएंगे अंडों में? और अब वो जिनके मैंने बच्चे निकाले हुए ना पाल रहा, हाँ। अब वो दोबारा अंडे देंगे कुछ ही 5-6 दिनों में। अच्छा कितने दिनों में ये अंडे वगैरह बच्चे निकल आते हैं? अगर ये 2 तोते रखे हों हमने, 2 तोते रखे हों, 1 महीने में बच्चे अंडे से बच्चे निकल आते हैं और पल भी जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये कितने कितनी देर के हैं, ये इनकी कितनी एज है, ये सारे हैं जो कितने कितने पुराने हैं? इनकी एज कुछ बच्चे हैं 2.5-2.5 महीने के, डेढ़ महीने। अच्छा रहना इनका साइज इतना ही रहता है, मतलब इससे बड़े नहीं रहते हैं, इनकी नस्ल ही है। ठीक हो गया, सही है। रोशनी बड़ी पसंद है इनको ना, ये इसीलिए बल्ब लगाया हुआ है। अच्छा वलीद भाई मुझे ये बताएं कि इनका कैसे पता चलता है मेल और फीमेल का, नर मादी का कैसे पता चलता है इनका? मेल और फीमेल का बच्चों का ज़्यादा पता नहीं चलता, जब बड़े होते हैं जवान फिर पता चलता है। हाँ कैसे पता चलता है इनका? मादी जो है उसके जो नोज के ऊपर है ना सफेदी, वो सफेद ही रहेगी। अच्छा और जो नर है उसकी ब्लू कलर की हो जाएगी। ठीक होगा, बस ये पहचान है। इधर आए दिखाते हैं ये आपको, यहाँ से ना जूम नहीं सही होता, वो हुआ है वो जो ब्लू है। हाँ इधर आ जाए सामने दिखा, सामने ये जो ग्रीन कलर का सेंटर में इसके ऊपर ब्लू कलर है, ये इसके साथ भी ब्लू है, तो ये क्या है दोनों? हाँ ब्लू है जो इनके नोज पे। हाँ ये नर है दोनों। अच्छा ये ऐसे लगा जैसे कलर खुद लगाया हुआ, तो अगर बेचने वाले खुद नहीं लगा देते इस तरह के कलर अक्सर? नहीं नहीं ये कुदरती कलर है। कुदरती कलर है। अच्छा अच्छा, और जो मादी वो ऊपर देखे उसको जूम करें, उसका वाइट है, उसका वाइट है। ठीक हो, सही है जी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को? आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी तोते जिन्होंने रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूं इनके बारे में। अगर किसी ने रखने हो तो इनकी कितनी केयर करनी पड़ती है। ये देखें बाजरा, इस वलीद भाई ने बाजरा भी रखा हुआ, इनको डेली डालते हैं, ये इनके लहदा लहदा कैल्शियम है बाजरा। ये इतनी वैसे केयर नहीं है, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा केयर करना पड़ती है। तो ये था आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक करके शेयर करके कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जनाब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं बैलकनीज में, तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।